नमस्कार, सबको आदाब और सत श्री अकाल। और आज हम जो है वो राशिफल मैं आपके साथ चर्चा करने वाली हूँ। और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ आज के दिन कि आपकी कर्म ही आपकी पहचान है, वरना इस दुनिया में एक नाम के हजारों लोग हैं। तो एक बहुत ही सुंदर नाम है मोहिनी एकादशी, और आज जो है वो मोहिनी एकादशी है, जो जिसका नाम ही मोहिनी है। जो और इस दिन के लिए, इस दिन का बहुत ही महत्व है, बहुत ही इम्पोर्टेंस है। आज मोहिनी एकादशी है, और आज के दिन जो वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जो थे, वो समंदर मंथन के टाइम पे भगवान श्री हरि विष्णु जी के हाथ में एक कलश था, और उस कलश के अंदर जो था वो अमृत था, और वो अमृत उन्होंने सभी देवताओं को आज ही के दिन उसका पान करवाया था। और आज के दिन की महत्वता बहुत अधिक है। आज मोहिनी एकादशी है, और मोहिनी एकादशी के दिन जो है वो भगवान श्री हरि विष्णु जो थे उन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया था। तो आज आप उस रूप की, भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं, और जो इसका महत्व ही इतना ज़्यादा है कि उनके हाथ में कलश था। तो आज आप सभी लोगों के लिए, जितने भी लोग हैं उन सब के लिए मैं एक ही रेमेडी बताऊंगी, आप उसको उपाय बोलें या रेमेडी बोलें, कि आज आप मिट्टी का भरा हुआ एक पात्र जो है वो मंदिर में रख के आए, या किसी भी ऐसे धार्मिक प्लेस पे रख के आए, और उसके साथ आप कोई मीठी वस्तु का दान जो है वो जरूर दें। क्योंकि आज ये अगले वर्ष आएगी, अब मोहिनी एकादशी हर एकादशी का नाम होता है, और ये एकादशी अब अगले वर्ष आएगी। अभी आपके पास बहुत टाइम है, अगर आप मंदिर में जा करके एक भरे हुए पात्र का दान करते हैं तो ये आप सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अभी मैं साप्ताहिक राशिफल की बात करूंगी, और ये साप्ताहिक राशिफल जो है ये 19 तारीख से, मतलब आज से लेकर के नेक्स्ट सैटरडे तक जो है वो रहेगा। 7 दिन का जो हाल है ये मैं आपको बताऊंगी कि हर राशि वालों के लिए ये वाला हफ्ता जो है ये कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि आज ग्रहों की क्या स्थिति है, आज किस टाइप के ग्रह हैं और किस टाइप की उनकी जो है वो पोजिशन है। तो आज के दिन जो ग्रह हैं देखें, वो कन्या राशि में जो है वो केतु की उपस्थिति है, और वृषभ राशि जो है उसमें गुरु प्रेजेंट हैं, और उसके साथ सूर्य भी वहाँ पे आ गए हैं, और शुक्र भी आ गए हैं, और उसके बाद मंगल जो है वो 12th हाउस में विराजमान है। तो इस तरह से सारे ग्रहों की स्थिति जो है वो अलग अलग हाउसेज में है। तो अब हम सब इसी के आधार पे हम जो है वो राशिफल निकालते हैं कि पूरा सप्ताह जो है, इस वार का सप्ताह अगले वार के सप्ताह से बिल्कुल अलग जाएगा। तो आज हम चर्चा करेंगे सबसे पहले मेष राशि की, और मेष राशि वाले जो होते हैं उनको एरीज भी कहते हैं, इंग्लिश में उनको एरीज कहते हैं, और ये सप्ताह जो है वो उनका बहुत अच्छा जाने वाला है। कार्यस्थल पे जो है उनका टाइम बहुत अच्छा बीतेगा, गवर्नमेंट जॉब से भी उनको बेनिफिट है, लेकिन कुछ चीजें मैं ऐसी भी बताऊंगी जिसमें उनको सतर्क रहने की जरूरत है। और उसमें उनको सबसे पहले सतर्क रहने की जरूरत है कि वो लंबी यात्रा मत करें, यात्रा जब भी वो करेंगे उनको कोई नुकसान होगा। तो मेष राशि वाले जो लोग होंगे उनको यात्रा के दौरान कोई भी प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है। दूसरा, जो मेष राशि वालों की सेहत खराब हो सकती है, क्योंकि सेहत के इतने अच्छे संकेत नहीं है, उनकी सेहत में कोई भी अप डाउन जो है वो मेजर अप डाउन हो सकता है। तो दो चीजों में आपने जो है वो एहतियात रखनी है, दो चीजों के बारे में आपको सतर्क रहना है कि आपको एक तो लंबी दूरी की यात्रा नहीं करनी है, और दूसरा आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। ये मेष राशि वालों को ऐसा करना है। लेकिन अगर कोई भी बिग बड़ा डिसीजन लेना पड़ रहा है आपको, किसी भी नेचर ऑफ वर्क जो है वो आपका डिफरेंट है, तो आप कोई भी बड़ा डिसीजन जो है वो मंगलवार के दिन ले सकते हैं, ट्यूजडे के दिन आप कोई भी बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। लाल रंग के वस्त्र धारण करने हैं, और लाल रंग जो है वो बहुत गाढ़ा नहीं होना चाहिए, हल्का रंग होना चाहिए। और आपको जो इसका पूरे वीक में आप किस तरह से कर सकते हैं कि आपको पॉजिटिव एनर्जी मिले, जो भी हम उपाय बताते हैं या रेमेडीज बताते हैं वो इसलिए बताते हैं कि उस नेगेटिविटी को कट करने के लिए, एक नेगेटिव ऊर्जा जो है वो ओरा हमारे हमेशा आसपास रहता है, उस नेगेटिविटी को कम करने के लिए आप हनुमान चालीसा का, और हनुमान जी का चालीसा करने के बाद आप आरती जरूर करें, क्योंकि आरती की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो ये जो आयरिस वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वृषभ राशि की बात करते हैं, और वृष राशि जो है उसको टॉरस भी कहा जाता है, और वृषभ राशि में शुक्र जो है वो आगे हैं, और वृषभ राशि के लॉर्ड होते हैं, रूलिंग प्लेनेट जो होते हैं वो शुक्र होते हैं, और रूलिंग प्लेनेट जब अपनी ही राशि में आ जाए तो बहुत अच्छा जो है वो रहता है। तो ये पीरियड उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ी ईगो की प्रॉब्लम आ जाएगी उनको। जितने भी लोग वृषभ राशि वाले हैं उनको ईगो आ सकता है, उनको घमंड आ सकता है कि वो किसी भी इस टाइप का, मतलब घमंडी नेचर आ सकती है, लेकिन उस चीज़ से आपको बचना है।
बाकी ये पूरा हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है और इसके लिए आप लाइट कलर्स पहने, व्हाइट कलर का प्रयोग करें और लाइट पिंक कलर आप जो है वो इस सप्ताह पहन सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है जो आपके लिए फेवरेबल टाइम है वो आपको मतलब थर्सडे रहेगा, जिसको आप गुरुवार कहते हो, वीरवार कहते हो, और दूसरा जो दिन है वो शुक्रवार फ्राइडे, जो कि आपके अपने रूलिंग प्लेनेट का डे है। तो आपने कोई भी डिसीजन, बड़ा डिसीजन जब भी लेना है तो आपको गुरुवार के दिन लेना है या फ्राइडे को लेना है, और व्हाइट कलर के वस्त्र पहनने और भगवान शिव की उपासना करनी है, उनका अभिषेक करें, तो इसमें आपको बेनिफिट रहेगा टॉरियंस को, जो कि वृषभ राशि वाले हैं। अब हम मिथुन राशि वालों की बात करते हैं, तो बुध की पोजिशन जो है वो भी इस टाइम प्रेजेंट टाइम में अच्छी चल रही है। तो मिथुन राशि, जिसको हम जेमिनी बोलते हैं, मिथुन राशि वालों के लिए ऐसा रहने वाला है कि वो अपने परिवार की बात नहीं सुनेंगे इस पूरे सप्ताह में। वो अपने जो है वो अपने परिवार की बात नहीं सुनने वाले, तो अपने परिवार से मतभेद मत करें। अगर आप इस टाइम पे अपने परिवार से मतभेद करते हैं या उनकी बात नहीं सुनते हैं, मैं आपको वन लाइन जो है वो आंसर दे रही हूँ कि अभी इस टाइम में आपको अपने परिवार को अवॉइड नहीं करना है। आप अपने परिवार के साथ बना के रखें, अपने कार्यस्थल में आपके सहयोगी जो है वो आपका बहुत साथ देंगे, जहाँ आप जो जिस भी ऑफिस में आप वर्क करते हैं, जो आपके साथ के लोग हैं वो आपकी बहुत हेल्प करेंगे, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। नेक्स्ट जो इनका आपके लिए कलर आता है वो हल्का येलो रंग आता है, और माँ दुर्गा की उपासना करें, गणेश अथर्वशीष का पाठ करें, ये आपके लिए उपाय रहेगा। और जो डे है डिसीजन लेने का वो आप मंडे को ले सकते हैं, कोई भी जो बिग डिसीजन आपको लेना है वो मंडे को ले सकते हैं, या फिर आप जो है वो वेडनेसडे को ले सकते हैं, जिसको हम बुधवार कहते हैं। तो नेक्स्ट राशि हमारी इसी श्रृंखला में जो है वो आती है कर्क राशि, जिसको आप कंसेरियन कहते हो। और कर्क राशि वाले जो लोग हैं उनको क्या करना है, कर्क राशि वालों को, कर्क राशि वालों के लिए चंद्रमा की पोजिशन हफ्ते के स्टार्ट में ही अच्छी है, लेकिन उनको यात्राएं नहीं करनी है, अपनी सेहत का ध्यान रखना है। कर्क राशि वाले लोग भी, उनकी सेहत जो है वो डाउन हो सकती है, किसी का ब्लड प्रेशर डाउन हो गया, शुगर राइज हो गया, इस टाइप की एक्टिविटीज जो हैं वो रहेंगी सभी लोगों के बीच में। और जब भी आपको कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना है तो गुरुवार और मंडे, मंडे कोई भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जो इस राशि के लोग हैं उनके लिए मंडे और थर्सडे जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। और रुद्राक्ष की माला पे 11 माला आपको जप करना है ओम नमः शिवाय मंत्र का, गंगा जल का सेवन आपको इस पीरियड में करना है। और अगर आप किसी ऐसी प्लेस पर नहीं जा सकते जो कि यहाँ पे वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा, क्योंकि कर्क राशि वाटर को रिप्रेजेंट करती है, अब मैं सभी को ये नहीं कह सकती कि आप गंगा जी नहाने चले जाइए या फिर आप किसी बहुत बड़ी रिवर के पास चले जाइए, बट एटलीस्ट हफ्ते में एक बार जाकर के किसी ऐसी प्लेस पे आप जरूर जाएं यहाँ पे वाटर का बहुत ज्यादा हो। तो इस तरह से हल्के कलर के कपड़े आप किसी भी रंग के पहन सकते हैं, लेकिन व्हाइट कलर का प्रयोग जितना आप ज्यादा करेंगे कर्क राशि वालों के लिए उतना अच्छा रहेगा। और फिर सिंह राशि की बढ़ाना आती है, तो सिंह राशि को हम लियोज जो होते हैं वो सिंह राशि वाले होते हैं, कार्यस्थल में उनको बहुत बेनिफिट होने वाला है, लंबी दूरी की यात्राएं बिल्कुल ना करें कर्क राशि, सॉरी सिंह राशि वाले बिल्कुल जो है वो लंबी दूरी की यात्रा ना करें, उसमें उनको नुकसान हो सकता है। और कोई भी बिग डिसीजन लेना है उनको अगर इस हफ्ते के बीच में कोई भी एक दिन, तो वो ट्यूजडे का डे है, मंगलवार का दिन है, और हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है, और आप केसरी कलर, जो लाइट केसरी कलर के कपड़े हो सकते हैं वो धारण कर सकते हैं, मतलब अगर आपको कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना है तो इस कलर का प्रयोग करके भी आप कर सकते हैं, और वो डे है ट्यूसडे, या फिर आप उस कलर का रुमाल अपने पास रखते हैं, पेन यूज कर सकते हैं, मतलब इस टाइप का आप जो है ये वाली रेमेडी कर सकते हैं सिंह राशि वालों के लिए। और कन्या राशि की बात करते हैं, तो कन्या राशि का जो रूलिंग प्लेनेट है, जिसको आप वर्गो कहते हो, इसका रूलिंग प्लेनेट भी जो है वो बुध है, और मरकरी जिसको कहा जाता है, तो इनके भी परिवार के साथ बहुत मतभेद होने वाले हैं, कुछ ऐसी बात आप बोलेंगे कि जिससे आपके घर वालों को बहुत वो पिंच कर जाएगी, तो आप अपनी वाणी पे कंट्रोल रखें, ज़्यादा किसी के साथ वो मत बोलें। और आप लेकिन धन आगमन जो है वो होगा, धन आपके पास बहुत आएगा इस सप्ताह में, बहुत से ऐसे रास्ते खुलेंगे जिससे आपके, और अगर आपने कोई फाइल दी हुई है प्रमोशन के लिए या कोई फाइल इन प्रोसेस है तो वो भी आप उसको कंटिन्यू आगे कीजिए, उसमें आपको बहुत बेनिफिट होगा। तुला राशि वालों के लिए मैं ये बोल रही हूँ, आप हल्के पिंक कलर का जो है वो कलर पहन सकते हैं, या रुमाल अपने पास रखते हैं, या पेन अपने पास रख सकते हैं। दूसरा, आपके लिए कोई भी अगर आपको मेजर डिसीजन लेना है या कुछ भी इस टाइप का आपको काम करना है, तो आप जो है आपके लिए फ्राइडे बहुत अच्छा है, फ्राइडे का दिन बहुत अच्छा है, क्योंकि उस टाइम में आप शुक्र की होरा पे कीजिए। हमारे टाइम, हमारे जब पूरा हम दिन देखते हैं उसमें एक होरा आती है, अगर आप शुक्र की होरा में शुक्र के दिन वो काम करते हैं तो 100% हो जाएगा, 100% मतलब 110% उसकी गारंटी है कि वो आपका हर काम हो जाएगा, अगर आप फ्राइडे को शुक्र की होरा में कोई भी काम करते हैं।
अब हमारी इसी नेक्स्ट राशि हमारी आती है स्कॉर्पियो, और जिसको आप जो है वो वृश्चिक राशि भी कहते हैं, जिसका साइन बिच्छू होता है। तो इनका बहुत अच्छा रहने वाला है, इस राशि वालों का भी ये वीक बहुत अच्छा जाने वाला है। मंगल की राशि है, मंगल की काफी अच्छी पोजीशन है, और इस टाइम पे आपको अपने कार्यस्थल पे, अपने गवर्नमेंट जॉब में अगर रहें तो आपको बहुत अच्छा अपने बॉस से शाबाशी मिल सकती है। कोई आपका अगर ड्यू इंक्रीमेंट है वो आपको मिल सकता है, कुछ भी टाइप का अगर आपका जो ड्यू चीज़ें हैं जिसके लिए आप हकदार हैं वो आपको इस वीक में मिल सकती हैं। लेकिन मंगल इसमें आपको भी जो है वो हल्के कलर का प्रयोग करना है, लाइट कलर्स जितने भी हैं, केसरी कलर भी पहन सकते हैं, रेड कलर भी लाइट कलर पहन सकते हैं। मंगलवार के दिन अगर आपको कोई भी असाइनमेंट साइन करनी है, जो कोई भी आपकी बिग डील है, तो वो आप ट्यूसडे के दिन कर सकते हैं, और ट्यूसडे की होरा में ही अगर आप करेंगे, जिस दिन जो डे होता है उस दिन उसकी होरा जो है वो 3 टाइम आती है, तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको उसमें भी जरूर बेनिफिट होगा, और आप इसमें आपके लिए ट्यूसडे बहुत लकी डे रहेगा अगर आप उस दिन कोई एक्टिविटी करते हैं। अब नेक्स्ट राशि हमारी धनु राशि आती है, तो धनु राशि वालों को चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में है चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में है, उनको जो है वो अपने मान सम्मान की प्राप्ति होगी। जिस भी क्षेत्र में आप हैं, आपको ऑफिस में आपको जो है वो खूब अपना मान सम्मान मिलेगा। आपका जो कार्य कार्यस्थल है उसमें भी आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, तो इसलिए आपको सभी धनुराशि वालों को पूरा वीक जो है बहुत अच्छा जाएगा। धन आगमन होने के चांसेस भी हैं, इसलिए आप येलो कलर के वस्त्र धारण कर सकते हैं, और वीरवार का दिन और शुक्रवार का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। जुपिटर की होरा में आप कोई भी जो है वो शुभ काम कर सकते हैं, और आप भी तुलसी की माला लेकर के ना उस पर आप विष्णु सहस्त्र नाम जो है उसका पाठ करें। मैं सभी को पाठ करने के लिए इसलिए कहती हूँ कि जो भी जिस धर्म का है वो अपने जिनको मानते हैं आप, वो वाली ऊर्जा जो है जब अपने घर में क्रिएट करेंगे, और वो ऊर्जा जब आप उन मंत्रों का उच्चारण करेंगे, तो वो जब आपकी वॉल्स के साथ टकराएगा और आपके रूम की आपके घर की जो नेगेटिव ऊर्जा होगी वो सारी खत्म हो जाएगी, इसीलिए ये चीजें कही जाती हैं। तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जो है वो तुलसी की माला लेकर के करना है। नेक्स्ट राशि हमारी जो है वो आती है मकर राशि, जिसको आप कैप्रिकॉर्न कहते हो, और कैप्रिकॉर्न वालों के लिए जो है वो उनको यात्रा जो है उनको इस राशि वालों को भी यात्रा का बहुत बेनिफिट होगा। अगर उन्होंने कोई यात्राएं प्लान मतलब पूरा किया हुआ है, बनाया हुआ है कि मुझे बच्चों की छुट्टियां हैं या खुद कहीं छुट्टियों पे घूमने जाना है, तो उन सब लोगों के लिए बहुत अच्छा ये वीक जाएगा। बहुत अच्छी इसमें बेनिफिट है, धन का भी लाभ है, जॉब में भी प्रमोशन है, कार्य क्षेत्र में भी उनको प्रमोशन है, लेकिन उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। हल्के कलर पहनने, हल्के ब्लू कलर, जिसकी पाउडरी ब्लू कहते हैं जिसको, हम वो कलर आप यूज़ कर सकते हैं। सैटरडे का डे बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा, और मंडे का डे भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको कोई भी ऐसा कोई बिग डिसीजन लेना है तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा मकर राशि वालों के लिए। नेक्स्ट राशि हमारी कुंभ राशि आती है, और कुंभ राशि वाले जिसको हम एक्वायरियस कहते हैं, इस राशि वालों के लिए ये पूरा सप्ताह कैसे रहने वाला है ये मैं आपको बता रही हूँ कि आपका जो है वो आपको अपने कोई भी गॉसिप, कोई भी जो है ऐसी एक्टिविटी आपके अगेंस्ट कोई प्लानिंग हो सकती है आपके ऑफिस में, तो आप जो है वो थोड़ा सा सतर्क रहें, ध्यान रखें कुंभ राशि वाले। ऐसे तो शनि की पोजीशन बहुत अच्छी है, शनि महाराज जो हैं वो आपकी आपके 11th हाउस पे ही बैठे हैं, अपनी मूल त्रिकोण की राशि में बैठे हुए हैं, इसलिए फिर भी आपको थोड़ा सतर्क रहना है, और लेकिन सतर्कता से साथ आप आगे बढ़ जाएंगे। अगर आपकी कुछ चीज़ें रुकी हुई हैं, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में चाहे प्राइवेट जॉब में हैं, तो अगर आप ध्यानपूर्वक रहते हैं तो आपका जो है फाइल भी मूव हो जाएगी और आपको कोई भी बेनिफिट जो है वो मिल सकता है। इसीलिए आपको भी हल्के रंग के कलर कपड़े पहनने, अगर आपको ब्लैक भी पहन रहा है तो ब्लैक में यहाँ व्हाइट का प्रयोग ज़्यादा हो, जिस तरह से कई बार एम्ब्रॉयड्रीड जो है होते हैं ब्लैक कलर जो एम्ब्रॉयड्री होता है व्हाइट कलर के साथ, तो वो आपके लिए बहुत लकी रहेगा अगर आप इस वीक में पहनते हैं। और डेज मैंने आपको बता दिया। अब लास्ट की राशि जो आती है हमारे पास मीन राशि, जिसको हम पाइसियंस कहते हैं, पाइसिस कहते हैं, वो लास्ट की राशि है, और इस राशि वालों का जो है वो मान सम्मान भी बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र में फायदा भी होगा, एग्जामिनेशंस में भी बच्चों को बेनिफिट होगा, एडमिशंस के लिए भी बच्चों को बेनिफिट होगा। येलो कलर का धारण कीजिए, जुपिटर और जो साथ में शुक्रवार है, ये आप दोनों आप अपना एडमिशन का फॉर्म फिल कर रहे हो, और जिस दिन आप भर रहे हैं, अगर आप मंडे के दिन, आप सभी को ये जर्नलाइज प्रेडिक्शन है, ये जर्नलाइज है, ये राशियों से हट के बात है, जो कि बहुत अच्छे बच्चों के अंक आए हैं, चाहे आप 10th की बात करें चाहे आप 12th की बात करें, आगे आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिलना है, अभी नीट का रिजल्ट आ जाएगा, तो जब भी आप अपना फॉर्म फिल करते हैं तो आप ग्रीन कलर के पेन का इस्तेमाल करें। जिस दिन आप भर रहे हैं, आप हर एक अपने अपना सबका फैमिली हिस्ट्री में अपने अपने ज्योतिषी होते हैं, अपने अपने पंडित हैं, आप अगर वो आपको बताते हैं कि आपके लिए ये डे अच्छा है, तो उस दिन की होरा को देखिए, उस दिन की क्या होरा है, और उस दिन की होरा में आप अपना फॉर्म फिल कीजिए, ग्रीन कलर के पेन का इस्तेमाल कीजिए,
और फिर आप अपना फॉर्म फिल कीजिए तो आपको जरूर अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगी। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आज के दिन भी, आज के दिन की तो अपनी आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है जो कि फिर आपको एक साल के बाद ये दिन मिलेगा। तो आज के दिन जितने भी लोग हैं, अगर अपने घर में वो जिस भी धर्म के हैं वो सभी अगर अपने धर्म में बहुत अच्छी ध्वनि में, ऊंची आवाज़ में, अगर कोई वाइब्रेशन में बहुत अच्छे मंत्रों का उच्चारण करते हैं या अपने मोबाइल पे आप लगा करके रखते हैं तो वो जो ध्वनि है वो एक ऐसा ओरा क्रिएट करेगी जिससे आपके घर की नेगेटिविटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और नेगेटिविटी जब आपके घर की ख़त्म हो जाएगी तो फिर आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स ही मिलेंगे। और आपको मैं आज सभी को एक टिप ऑफ द डे भी दूंगी क्योंकि आज मोहिनी एकादशी है, तो आज के दिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको टिप ना दूँ। तो आज के दिन आप जो है एक ओरा सॉल्ट आता है, ओरा सॉल्ट करके एक आता है, वो अगर आपको नहीं मिल रहा, आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो हमारा जिसको आप पहले टाइप में ना ग्रेन्यूल्स वाला नमक आता था जो ग्रेन्यूल टाइप में होता था, अभी तो आप टाटा साल्ट यूज़ कर रहे हैं, नंबर ऑफ साल्ट्स आर देयर इन मार्केट। तो अगर आपके वो ग्रेन्यूल वाला जो नमक आता है उसकी आप एक कटोरी भर के, एक बाउल जो आता है ग्लास का, उसमें भर करके आप अपने घर के सेंटर में रख दें और साथ में उसके फटकरी रख दें, और जब अगर आपके घर में जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा आज के दिन करना है, और आज का दिन जो इस टाइम 3:30 हो गए हैं, अगर मैं आपको 11:11 की मैनिफेस्टेशन बताती कि किस तरह से आप 11:11 की मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, बट आपके पास अभी टाइम है, रात के 11:11 का टाइम है, आप अलार्म करके रखें और उस टाइम आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो आपको मिलेगा। इस टाइप की मैनिफेस्टेशन आप लिख के भी कर सकते हैं, बिकॉज जो चीज़ हम लिखते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है, और जब कोई भी चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है तो यूनिवर्स उसको जो है वो पूरा करने की पूरी कोशिश करती है। जो भी आपकी विशेज़ हैं वो आप 11:11 पे आज के दिन ज़रूर लिखें। उसकी मैनिफेस्टेशन के लिए मैं लिखने के लिए बोल रही हूँ एटलीस्ट 11 टाइम्स लिखें, 21 टाइम्स लिखें, 108 टाइम्स लिखें। तो इस तरह की अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो सभी को नमस्कार। तो हम अगले हफ्ते मिलते हैं नए राशिफल के साथ कि सब राशि वालों का अगला हफ्ता जो है वो कैसा जाएगा। उसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। नमस्कार।